हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लिब्रा डेटाबेस को लेकर के है, क्योंकि हमारी व्यूअर है स्वाति, जिन्होंने कमेंट किया है कि जब वो कैरेक्टर डेटा टाइप उठाती हैं लिब्रा डेटाबेस में, तो भी हम वहां कैरेक्टर एंटर कर पाते हैं, और अगर इंटीजर डेटाबेस की बात करें, इंटीजर डेटा टाइप की, तो इंटीजर में भी हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, तो इसको आइए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने बना रखी है, ये टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईडी लिया हुआ है, यहाँ नेम और यहाँ नंबर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आईडी एंटर करना है हमें, यहाँ पर 12 एंटर करता हूँ, ये 12 एंटर करा हमने। अब यहाँ पे नाम है, जैसे मान लीजिए नाम लिख दिया हमने सीमा, ये नाम लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर भी नाम टाइप करने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आर ए एम, यहाँ पे राम लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे ही राम लिखने की कोशिश की हमने, यहाँ पे जीरो हो गया। चलिए कोई और वैल्यू यहाँ पे देते हैं, जैसे राम के अलावा कुछ और लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सचिन, ये लिख दिया सचिन। अब अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। जब भी आप इंटीजर डेटा टाइप लेंगे तो या तो वैल्यू प्लस में कंटेन करेगा या तो माइनस में कंटेन करेगा। ये संभव नहीं कि हमारा जो वैल्यू है वो कैरेक्टर्स भी टाइप करने दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसको मैंने बनाया कैसे है, देखिए जब भी आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से आपको चूज करना होगा ये डेटाबेस, तो ये डेटाबेस चूज कर लीजिए, यहाँ से फिर क्रिएट डेटाबेस पर आइए, और इसको मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे नो कर दिया, और यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर दिया, तो एक नई फाइल हमारे सामने खुल जाएगी, और इसको जो भी आप नाम देना चाहते हो यहाँ से नाम दे दीजिए इस फाइल को। मैं DB1 नाम दे देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, ये इस तरह से खुल करके हमारे सामने आएगा। टेबल बनाना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्वेरीज बनानी है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म बनाना है यहाँ पे, और रिपोर्ट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे करते थे काम, कुछ वैसा ही काम यहाँ पर भी है, लेकिन डिफरेंस है ये सॉफ्टवेयर लाइनक्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी लाइनक्स में लिब्रा ऑफिस यूज किया जाता है। लिब्रा ऑफिस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं हम विंडोज के लिए, वैसे लिब्रा ऑफिस यूज करते हैं हम लिनक्स के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में प्रयोग में लाया जाता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज जो है ओपन सोर्स नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ से क्रिएट पे आपको करना है क्लिक, ठीक है, अगर व्यू करना चाहते हैं तो, और नहीं तो यहाँ से सीधा आ जाइए क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर फील्ड नेम देना है, जैसे मान लीजिए हमारा पहला जो फील्ड है वो होगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिखा हमने, और यहां पे देख सकते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप आ रहा है, वेर कैर लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाएंगे, इतने डेटा टाइप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे, जैसे फ्लोट भी मिल रहा है आपको, रियल भी मिल रहा है, डबल मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए इग्नोर केस, ये जो है ये वाला डेटा टाइप है, टेक्स्ट वेर कैरेक्टर डेटा टाइप जो है, इग्नोर केस वाला डेटा टाइप भी है, और यस और नो, ये बुलियन डेटा टाइप तो वहां भी होता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप वहां होता है, लेकिन इसमें डेट एंड टाइम एक में भी है और अलग अलग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां से अगर हम कैरेक्टर ले लेते हैं, सिर्फ कैरेक्टर लेता हूं, ठीक है, और दूसरी बात यहां पर आता हूं, यहां पर मैं डाल देता हूं सिटी, ठीक है, और इस बार मैं क्या करता हूँ वेयर कैर ये जो डेटा टाइप है ये ले लेता हूं। अब यहां पर आता हूं, यहां पर ले लेता हूं मैं, अब ये कंप्यूटर में मार्क्स कुछ देने हैं इनको, तो यहां पर या तो हम नंबर डेटा टाइप लें या तो इंटीजर लें, ठीक है। तो इस बार हम इंटीजर लेते हैं, तो यहां इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए कंप्यूटर के बाद मैं करता हूं इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या करता हूं मैं, इंग्लिश में ले लेता हूं इस बार नंबर डेटा टाइप, ठीक है, नंबर ले लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा, यहां से मैं इसको माई डीबी के नाम से सेव कर देता हूं, इसको प्राइमरी की असाइन नहीं की है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पे प्राइमरी की असाइन हो गई आईडी के नाम से, ठीक है। तो ये इंटीजर है, ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट भी हमने लिया है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, सिर्फ कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या होगा, कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर एंटर होगा, एक दो कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं आप, लेकिन जब आप वेयर कैर लेंगे, यानी कि आप टेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे, ये टेक्स्ट नहीं है, अभी आप यहां पे क्लिक कीजिए, ये क्लिक हो गया। अब इसको, अब यहां पर जैसे आईडी है तो आईडी में तो कुछ भी, यहां पे 11 एंटर किया हमने,
अब यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या एस यू आर ए जे, यहां पे देखिए ये हमने सूरज एंटर कर दिया, यहां पर आ गया ये, ठीक है। अब यहां पे सिटी है तो सिटी कर देता हूं देवरिया, डी ई ओ आर आई ए, ये देवरिया कर दिया। अब यहां पर कंप्यूटर में भी अगर मान लीजिए हम कोई कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश करेंगे, कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं हिंदी, लिख दिया, अब क्या ये एक्सेप्ट करेगा, यहां पे तुरंत जीरो हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं 78.8 मार्क्स देना चाहूंगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं, ये कभी भी जो है नंबर डेटा टाइप है, इसको मैंने नंबर रखा है, तो देखिए फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहां पर अगर मैं कोई नंबर देता हूं जिसे 70 दे देता हूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इंटीजर प्लस या माइनस में डेटा होल्ड करता है, ठीक है। जो वैल्यू होगी इंटीजर की वो या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी, पॉइंट में नहीं हो सकती है और कैरेक्टर नहीं लिख सकते वहां पे। अब यहां पर अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है। इसी तरह से नंबर की बात करें तो नंबर में क्या माइनस एक्सेप्ट करेगा, यहां पर देखिए यहां पर भी इसमें माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन पॉइंट में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉइंट में अगर हमें वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है तो क्या करना होगा हमें, वो भी दिखा देता हूं। यहां से हम ये आ गए हम डिजाइन व्यू पर। अब यहां पर देख सकते हैं किसमें क्या डेटा टाइप हमने लिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर में हमें पॉइंट में मार्क्स देने हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमेरिक नंबर डेटा टाइप हमने लिया है इसको हटाता हूं मैं, और यहां से मैं क्या करता हूं इसको बना देता हूं डबल, या तो डबल बना दीजिए या तो फ्लोट बना दीजिए। फ्लोट देखिए इसमें कहां दिया हुआ है, फ्लोट डेटा टाइप भी इसमें दिया होगा, तो ये देखिए ये फ्लोट दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे ले लिया हमने और अब इसको सेव किया, देन अब इसको क्लोज करता हूं। अब यहां पर आते हैं, अब अगर हम यहां पर आएंगे तो क्या इसमें देखिए, इसमें मैं एंटर कर रहा हूं 90.5, ये एंटर कर दिया हमने, एंटर ये हमने एंटर करा, ये भी एक्सेप्ट कर गया, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए कि यहां पर जैसे ही हमने एंटर करके यहां पे हम लोग आते हैं तो ये जो है वापस 90 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम कोशिश करते हैं यहां पे कुछ और दे देते हैं वैल्यू, 88.9 कर दिया हमने अगर, तो ये यहां पे एक्सेप्ट करता है। जैसे हम दूसरे कॉलम में आएंगे तो ये वापस 88 हो जाएगा, यानी कि जब भी हम एंटर करेंगे तो इंटीजर में प्लस या माइनस में वैल्यूज एंटर करेंगे, और अगर फ्लोट की बात करें तो उसमें हम कर सकते हैं। चलिए अब डबल की बात कर लेते हैं, इतना तो हमने देख लिया। डबल के लिए क्या करेंगे, हम इसको एडिट करता हूं फिर से। अब यहां पे इंग्लिश है तो ये यहां पे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंटीजर डेटा टाइप है, अगर मैं डबल रखता हूं तो क्या होगा, ये देखिए यहां पे डबल कर देता हूं, इसको डबल कर दिया। अब इसको सेव करता हूं, देन यहां से क्लोज करता हूं। अब वापस आ जाते हैं इसमें, तो इस बार कंप्यूटर में क्या एंटर करते हैं हम, यहां पे देखिए 88.90, ये देखिए ये एक्सेप्ट कर गया, 88.9 एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। जीरो सिर्फ नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये अगर मैं 9 लिख देता हूं तो ये जो है एक्सेप्ट कर जाएगा। तो ये देखिए अगर डबल लेते हैं तो भी आप पॉइंट में वैल्यूज एंटर कर पाएंगे।